नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। आतंकी राज छोड़कर सैकड़ों आतंकी आज सेना के सामने सरेंडर हो चुके हैं। आईएसआई की कई प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि जब सैकड़ों आतंकी भारतीय सेना के सामने सरेंडर हुए और ये खुद ब खुद आतंकी चलकर आए हैं और उसके बाद भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि आज तक ये खबर हमें कभी नहीं सुनने को मिली है। आज ये पहली बार खबर है और पूरा मामला क्या है इसको जान लेने के बाद ही आप इस खबर को स्किप कीजिएगा, अन्यथा आपको आधी अधूरी जानकारी ही आपके हाथ लगेगी। क्योंकि आज का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकी स्वयं चलकर आए हों और सेना के सामने सरेंडर हो चुके हों। लेकिन आज जो आतंकियों ने किया है वो कहीं ना कहीं उनका भय है, और आतंकियों ने यह बात साबित भी कर दी है कि वो मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गलत तरीके से उनको आतंकी राह में ले गया गया था। लेकिन अब वो आतंकी संगठन को छोड़कर भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वहीं पर जो बड़े बड़े आतंकी संगठन प्लानिंग रच रहे थे कि हम किस तरह से भारतीय सेना को मार देंगे, हम किस तरह से भारत को क्षति पहुंचाएंगे, वो सारी प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है। यानी कि वजह क्या हुई थी इन आतंकियों को कि जो इन्होंने भारतीय सेना की शरण ले ली, क्योंकि आतंकी जब कभी भी आते हैं या तो मर जाते हैं या तो मार देते हैं, यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही करने पे उनको 72 हूरों के दर्शन होते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि जिंदा चलकर आतंकी आए और भारतीय सेना के सामने सरेंडर हो चुके। हम आपको डीजीपी का बयान सुनाने जा रहे हैं और दिखाएंगे भी कि पूरा मामला क्या है, डीजीपी ने क्या कहा और जब आतंकी सरेंडर हुए तो उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दूं, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ भटके युवा लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान अपील और आत्मसमर्पण के 10 मामले सामने आ चुके हैं। ये दर्शाता है कि रास्ता भटकने वाले युवाओं में मुख्यधारा के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। कठुआ पहुंचे डीजीपी ने कहा कि आतंक का सपोर्ट सिस्टम पिछले वर्ष ध्वस्त किया गया, 225 आतंकियों को अलग अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि 50 जिंदा पकड़े गए, 600 ज्यादा ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़कर विभिन्न मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान की साजिशों को पहचानने लगे हैं, युवा अपनी जिंदगी को जीना और बदलना चाहते हैं। डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से कहर बरपा है, जो बर्बादी का आलम पाकिस्तानी समर्थित एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शुरू किया था, उसमें हजारों की तादाद में लोगों की जान गई है। आम शहरी पुलिसकर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ आतंकी भी मारे गए हैं। आतंकियों के परिवार भी महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया है। यही नहीं बल्कि पुलिस महानिदेशक ने कश्मीर के युवाओं से अपील है कि बहकाओं में आकर बंदूक उठाकर अपने ही लोगों का कत्ल करने के बर्बादी के रास्ते को छोड़कर अमन का रास्ता चुने। पाकिस्तान आतंक के बीज बोता रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक के पौधे को काट कर काफ़ी नीचे ले जा चुकी है, आने वाले समय में उसकी जड़ें भी खत्म कर दी जाएंगी। क्योंकि आज इतने आतंकियों का सरेंडर होना यही दर्शा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं। इन्होंने भारतीय सेना की डर की वजह से इन्होंने हथियार डाल दिया है, क्योंकि अगर ये हथियार न डालते तो ये मारे जाते, 100% मारे जाते, क्योंकि आज भारतीय सेना की कार्रवाई में कई आतंकी मारे जा चुके हैं, बड़े बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं और पाकिस्तानी सेना के भी परखच्चे उड़ गए हैं। और ये बात आतंकी जानते हैं कि जब पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं उखाड़ पा रही भारतीय सैनिकों का और बड़े बड़े आतंकी संगठन कुछ नहीं कर पा रहे हैं भारतीय सेना का, तो वो किस खेत की मूली है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये बता दिया कि हम लोग गलत रास्ता चुने हुए थे, जिसके बाद अब हमें बख्शा जाए, हम कभी आतंकवाद को कबूल नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ आज सैकड़ों
आतंकवादी सरेंडर हुए हैं, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कितने सारे आतंकी खुद ब खुद सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। घर वाले भी जानते हैं, पड़ोस वाले भी जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं कि उनका बेटा आतंकी हो चुका है, क्योंकि उस वक्त जब वो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेता है तो बड़े बड़े आतंकी आकर उसके घर में ऐसा एक छाप छोड़ जाते हैं कि पूरा गांव जान जाता है कि उनका बेटा आतंकवादी है। इसीलिए वो घर गांव भी नहीं जा सकते, बस उनके लिए एक ही चारा है कि अपने दुश्मन के सामने सरेंडर हो जाएं। यानी कि भारतीय सेना उनकी दुश्मन थी, लेकिन जब वो सरेंडर हुए तो भारतीय सेना ने उनके साथ एक दोस्ती के भात बर्ताव किया, और उसके बाद उन्हें नई सीख दी और नए जज्बे दिए हैं, जिसकी वजह से आज सैकड़ों आतंकी नहीं बल्कि आने वाले समय में कई सारे आतंकी संगठन अपना संगठन बंद कर देंगे, क्योंकि अब उनकी दुकान नहीं चल रही है। अब रोज़ाना उनके आतंकी मारे जाते हैं और नए आतंकी नहीं बन रहे हैं, जिनकी वजह से वो लोग ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ है तो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवाद बरकरार रहे, आतंकवाद और बढ़े। इसके लिए उसे अपना देश नीलाम करना पड़ेगा, फिर भी पीछे नहीं हटेगा, अपना आधा हिस्सा बेचकर लेकिन आतंकवाद बढ़ाएगा। लेकिन आज जिस तरह से डीजीपी ने कहा है कि आतंकवाद हमेशा आतंकवाद की खेती बोते चला आ रहा है, लेकिन हम उसका जड़ तक खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे, यानी कि चंद दिनों में ही पाकिस्तान का आतंकवाद सिमटने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग देशों से आतंकी बुला रहा है। सीरिया जैसे खूंखार आतंकियों को भी शरण दे रहा पाकिस्तान, इसलिए कि वो भारतीय सैनिकों से मुकाबला कर सके, क्योंकि अब पाकिस्तानी सैनिकों में और पाकिस्तान के आतंकवाद में इतना दम नहीं है कि वो भारतीय सेना से टक्कर ले सके। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो देश की दुनिया जानेगी कि हाँ, हमारी सेना का वर्चस्व किस लिए लहरा रहा है। और आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।